यूनिट कोशिश करते हैं कि एक लाइन की हिंदी मीनिंग बताने की। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अच्छे से देखिए, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और साथ में आपका सब्जेक्ट भी साथ के साथ अच्छा होता चला जाएगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं एरन इज में स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं और इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं 3.1 में, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो इस पार्ट में आप इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। तो यहां पर मैं इंट्रोडक्शन में देखते हैं जिसको परिचय कहा जाता है। इन यूनिट 2 वी ब्रीफली सर्वेड द आइडियाज एंड टेक्निक्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्रेस्ड द रूट्स ऑफ साइंस इन द प्रिमिटिव कल्चर। मतलब यूनिट 2 जो हम पढ़ाए थे उसके बारे में दे रखे हैं कि हमने संक्षेप रूप से जो आइडियाज और कल्चर थी शुरुआत के ह्यूमन बीइंग्स के, उसका हमने सर्वे किया, उसको हमने देखा। एंड ट्रेस्ड द रूट्स ऑफ साइंस इन द प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर में जो साइंस के जो रूट छिपे हुए थे, जड़ें छुपी हुई थी, उसको हमने खोज के निकाला। यू ऑल्सो रेड अबाउट द एमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ साइंस इन द एंशियंट वर्ल्ड। कहते हैं आपने जो प्राचीन जो दुनिया है उसमें साइंस की ग्रोथ और कैसे उत्पत्ति हुई, एमर्जेंस हुई, उसके बारे में भी पढ़ लिए। इन द हिस्टोरिकल इपॉक नॉन एज ब्रंज एज, इसको हम ऐतिहासिक एक लंबे समय के अनुसार से लिए हैं जिसे कि ब्रंज एज के नाम से जाना जाता है। नाउ वी टर्न आर अटेंशन टू एन इक्वली इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस नॉन एज द एरन एज। कहते हैं अब हम अपना ध्यान जो है वो इक्वली तरीके से जो है वो हिस्ट्री जो है साइंस के पीरियड की जो इम्पॉर्टेंट पीरियड है उसके ऊपर लगाते हैं, जैसे कि आयरन एज या लौह युग भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दे रखे हैं फ्रॉम अबाउट द 15th century BC वी फाइंड दैट सिविलाइजेशन वॉज नो लॉन्गर लिमिटेड टू अ फ्यू रिवर बेसिन्स बट हैड स्प्रेड टू द मेजर कल्टिवेबल एरियाज ऑफ एशिया नॉर्दर्न अफ्रीका एंड यूरोप। कहते हैं लगभग 15th century जो BC है उसमें हम उससे हम पाते हैं कि जो अब सभ्यता है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ नदी के जो आसपास के एरिया है वहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि हैड स्प्रेड टू मेजर कल्टिवेबल एरियाज, बल्कि अधिक से अधिक जो कल्टिवेबल एरियाज है जहाँ पे उपजाऊ हो सके, जहाँ पर में पैदावार हो सके, जिसमें एशिया आते हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका आते हैं और यूरोप आते हैं, वहाँ तक फैल गई थी। द स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन वॉज एडेड बाई द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ न्यू मेटल आयरन विच लेड टू दिस पीरियड बींग कॉल्ड एज द आयरन एज। कहते हैं जो सभ्यता की जो फैलाव है या स्प्रेड है, विस्तार है, उसे डिस्कवरी का सहारा मिल गया। एडेड मतलब सहारा मिलना या मदद मिलना, साथ में जो नए नए जो मेटल मिले हैं, आयरन मिले हैं, उससे इनको हेल्प मिला, जिसने कि इस पीरियड को यहाँ पर दे रखे हैं, जिसने इस पीरियड को जो है एक आगे बढ़ाया और इसका नाम दिया आयरन एज। तो एक नया मेटल मिला, नई धातु जिसका नाम आयरन था, आयरन मिलने के कारण ही जो है इस पीरियड का नाम जो है वो आयरन एज बना। द आयरन एज डिड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी रिमार्केबल टेक्निकल एडवांसेस सच एज इन द ब्रंज एज। कहते हैं आयरन एज जो है इसने किसी भी प्रकार की जो है आकर्षक करने वाली रिमार्केबल जो टेक्निकल तकनीकी जो एडवांस है, तरक्की है, उसको नहीं लाया, जैसे ब्रंज एज में लाया था। ब्रंज एज ने क्या किया था, इस तरह की तरक्कियां हुई थी साइंस, जो यहाँ टेक्निकल जो एडवांसेस थे वो ब्रंज एज में ज़्यादा हुई थी। हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ ए चीप एंड अबंडेंट मेटल लेड टू वाइड स्प्रेड चेंजेस एज दिस सिविलाइजेशन स्प्रेड फार एंड वाइड। कहते हैं फिर भी जो सस्ते और ज़रूरत से, मतलब जितना इनफ होना चाहिए उससे भी ज़्यादा जो मेटल थे, इसी को एबंडेंट मेटल कहा जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो मेटल थे, इसने लेड टू वाइड स्प्रेड चेंजेस, इसने बहुत सारे परिवर्तन को जन्म दिया, क्योंकि यह जो सभ्यता है वो दूर दराज तक फैल गई। एज द सिविलाइजेशन स्प्रेड फार एंड वाइड इट ऑल्सो अफेक्टेड द रिलेशंस बिटवीन वेरियस सोशल क्लासेस। इसने बहुत सारे जो सामाजिक क्लास है उसके बीच जो संबंध है उनको भी प्रभावित किया। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट द ब्रंज इज
रिवर सिविलाइजेशन वर डिकेइंग ड्यू टू मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी एंड कल्चर। कहते हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्रंज इज रिवर वैली सिविलाइजेशन जो है वो बिल्कुल समाप्त होती जा रही थी, डिके होती जा रही थी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण। और वो प्रॉब्लम क्या थी? इकोनॉमी और जो कल्चर की जो स्टैग्नेशन है, मतलब इकोनॉमी और कल्चर जो है वो आपको स्टैग्नेट हो गया। अब वो बढ़ना बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था, एक जगह थम सा गया। देयर डिक्लाइन वॉज हैसेंट बाय कॉन्स्टेंट इनकर्शंस एंड रेड्स ऑफ बारबेरियन क्लैंस। उनकी जो डिक्लाइन थी, उनका जो पतन था वो और तेजी से बढ़ता चला गया। लगातार सीमा पर में बाहर से कुछ लोग घुसने के कारण और जो बर्बर जाति के जो वंश थे उनके हमला करने के कारण, रेड करने के कारण। द नोमैडिक बारबेरियंस वर पेस्टोरल पीपल हु हैड लर्न टू यूज आयरन। जो नोमैडिक जो बारबेरियंस थे वो पेस्टोरल पीपल थे जिसने कि आयरन का यूज करना सीखा था। दे हैड ग्रेट मोबिलिटी एज दे हैड टेम्ड वाइल्ड हॉर्सेस फॉर ट्रेवल एंड कैरिड देयर फूड अलॉन्ग विद देम। दे हैड ग्रेट मोबिलिटी मतलब उनका जो आवागमन था वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा चलते फिरते थे एक जगह से दूसरे जगह तक, क्योंकि वो जंगली घोड़े थे उसको पालतू बना रखे थे। एज दे हैड टेम्ड वाइल्ड एनिमल हॉर्सेस, किसके कारण से? तो ट्रैवल करने के लिए। एंड कैरिड देयर फूड अलॉन्ग विद देम, और अपने साथ जो है वो फूड भी ले जाया करते थे। दे रैन थ्रू द डिकेइंग सिविलाइजेशन, वो जो मरती हुई जो एक ख़त्म होती हुई जो सभ्यता है उसके जरिए अपना समय पास कर रहे थे। पिकिंग अप लोकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एज इट सूटेड देम, क्योंकि यह उनको अच्छा लगता था। द डिवेस्टेशन लेफ्ट इन देयर वेक वॉज ऑफ्टन इरेपरेबल फॉर द पीपल दे हैड ओवररन। कहते हैं जो विनाश उस सब ने छोड़ दिया उस अपने मतलब चलने फिरने के दौरान, इन देयर वेक, वह उन लोगों के लिए इरेपरेबल था। उस क्षति को पूरा करना बड़ा मुश्किल था जिसको वो कुचल के आ चुके थे। दे हैड ओवररन द बारबेरियंस स्प्रेड फार एंड वाइड इन द वर्ल्ड। ये बारबेरियंस जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दूर दराज तक फैल गए। गिविंग राइज टू सिविलाइजेशन दैट वर लेस पीसफुल, ये ऐसी सभ्यता को जन्म देने लगे जो कम शांतिमय थे और यहाँ तक कि कम डेवलप्ड भी थे। बट मोर फ्लैक्सीबल टू चेंज, लेकिन इनकी जो चेंज होने की जो क्षमता थी वो अधिक फ्लैक्सीबल थी। तो इस पार्ट ऑफ जो है वीडियो में हम देखे हैं यहाँ पर में कि किस तरीके से यहाँ पे ब्रंज एज के बारे में दे रखे हैं कि उनकी सिविलाइजेशन कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण जो है इकोनॉमी और कल्चर स्टैग्नेशन के कारण ख़त्म हो गई। और ये चीज़ें जो है बारबेरियन क्लैंस के द्वारा बहुत ज़्यादा और आगे उग्र कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग पेस्टोरल पीपल थे और जिन्होंने कि यही वो लोग थे जिन्होंने कि आयरन का यूज़ करना सीखा था। वो एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत ज़्यादा जाया करते थे, उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, वो जंगली घोड़े पाला करते थे अपने ट्रैवल के लिए, अपने साथ भोजन भी लेके जाया करते थे। वो डिकेइंग सिविलाइजेशन के जरिए अपना टाइम पास करने लगे और लोकल टेक्निक्स का यूज़ करने लगे। वो जहाँ भी जाते थे उन लोगों को इतना बुरा उनके साथ व्यवहार करते थे कि उनको दोबारा ऐसे लोगों को उठने का मौका नहीं देते थे। ये बारबेरियंस दुनिया के दूर दराज हिस्सों में फैल गए और एक ऐसे सिविलाइजेशन को जन्म दिए जो पीसफुल नहीं थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और लेस डेवलप्ड थे, लेकिन इनकी चेंज होने की मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। एंड मोर फ्लेक्सिबल टू चेंज। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट दे रखें, इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द इंडियन एंड ग्रीक सिविलाइजेशंस ऑफ द आयरन एज। कहते हैं कि इस यूनिट में हम सब मिलके साइंस और टेक्नोलॉजी की जो विकास है उसके बारे में स्टडी करेंगे जो भारतीय और ग्रीक जो सभ्यता थी आयरन एज की उस समय उसमें हुई थी। टेक्नोलॉजी इन द इंडियन एंड ग्रीक सिविलाइजेशंस ऑफ द आयरन एज। In the next unit, we shall take up the study of one of the most fruitful periods of scientific developments in India. कहते हैं अगले यूनिट में हम जो है बहुत सारे जो
फ्रूटफुल पीरियड से मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट से इंडिया में जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा है उनमें से एक स्टडी करेंगे विच सॉ ट्रिमेंडस एडवांसेस इन द एरियाज ऑफ एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसने कि एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांस किया। तो इसमें हम इंडियन और ग्रीक सिविलाइजेशन की जो बढ़त है डेवलपमेंट है आयरन एज में उसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्टिव्स में। आप यहाँ पे यहाँ से है जिसको आपको उद्देश्य कहा जाता है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप किसके लायक हो जाना चाहिए। तो डिस्क्राइब इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर द मेजर डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड ग्रीस इन द आयरन एज। कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मैनर में जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था साइंस और टेक्नोलॉजी की इंडिया और ग्रीस में आयरन एज में उसके बारे में डिस्क्राइब कर पाएंगे कि ग्रीस और इंडिया में जो आयरन एज में जो है साइंस और टेक्नोलॉजी ने कैसे तरक्की की थी कैसे विकास किया था। कंपेयर द डेवलपमेंट्स इन वेरियस साइंटिफिक आइडियाज एंड टेक्निक्स इन इंडिया विद दोज इन ग्रीस। ग्रीस में जो आपका आइडियाज और टेक्निक्स का जो अलग अलग तरीके का विकास हुआ था उसका इंडिया में जो हुआ था उसके साथ हम इसकी तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ साइंस इन यूरोप। कहते हैं उन सारे कारक को एक्सप्लेन करेंगे जिसने कि यूरोप में जो साइंस की जो डिक्लाइन है पतन है उसको जन्म दिया। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम साइंस इन आयरन इज इंडिया को सीखेंगे।